जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो मध्यम गति से ही श्वास को भरें छोड़ें, बाकी लोग फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऐसे करते रहेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे फेफड़े की शक्ति बढ़ती है, हमारे फेफड़ों की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हम अपने वात पित्त कफ को संतुलित कर सकते हैं इस प्राणायाम के अभ्यास से। और स्पेशली यह प्राणायाम कफ से संबंधित रोगों में लाभ करता है, चाहे वो सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, दमा, अस्थमा, तो इन रोगों में यह विशेष लाभ करता है। और जिन लोगों को लो बीपी रहता है वह इस प्राणायाम का अभ्यास 2 मिनट अवश्य करें डेली, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट यदि आप करते हैं तो देखेंगे लो बीपी में तुरंत आपको आराम मिलेगा। फास्ट ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। कभी भी आपकी श्वास नहीं फूलेगी जब तक आप जिएंगे, अगर आप इस प्राणायाम को करते रहेंगे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, तो ना लो बीपी होगा, ना हाई बीपी होगा, ना घबराहट होगी, ना अस्थमा होगा, ना ब्रोंकाइटिस होगा, ना श्वास के रोग होंगे। ये अद्भुत है। अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ हमारे अपान वायु मुद्रा में रहेंगे, फर्स्ट फिंगर को होल्ड कर रहे हैं, तर्जनी उंगली को अंदर की ओर दबा लें अंगूठी के नीचे, और बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श कर लें इस प्रकार। ये है अपान वायु मुद्रा। ये कई प्रकार के रोगों में लाभ करती है, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, वेट लॉस। तो यहाँ पे हमने अब कपालभाति का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंकेंगे, श्वास को बाहर फेंकें झटके से, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। क्लोज योर आइज, आंखों को बंद करके, और कपालभाति का अभ्यास। आप सभी बहुत अच्छा कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। कपालभाति के नियमित अभ्यास से विभिन्न प्रकार के रोगों में लाभ होता है, और स्पेशली पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनमें है रोग, यह कपालभाति विशेष लाभ करता है, चाहे वो मोटापा हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, फैटी लीवर। तो इन बीमारियों को हम कपालभाति के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आजकल कुछ महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बेलेंस होना, तो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज है। कुछ लोगों को गांठें हो जाती हैं, छोटी छोटी गांठें हो, कहीं भी आपको कहीं भी गांठे हो, यदि आप कपालभाति नियमित करते हैं 10 मिनट से लेकर 15 मिनट, आधा घंटा, तो जितनी भी गांठे हों, चाहे वो छोटी गांठे हों या बड़ी गांठे हों, धीरे धीरे मेल्ट होने लगती हैं, घुलने लगती हैं।